पुलिस चौकी बाजार मा मर्डर छिन हजार मा पुलिस चौकी बाजार मा मर्डर छिन हजार मा काकी लगाणी छे के मा लगाणी छे इन घूस खोरों की काकी लगाणी छे के मा लगाणी छे ए पहाड़ की मेरा उत्तराखंड की काकी लगाणी छे बड़बड़ाने तब ब्लॉक मा काम नी मिल दो गांव मा ये कुटने बिखोण के कुटना भी सवा से दिख रहा आप लोग ये है भाई चावल डूंगो नी पूजी में के डांडा नी गांव में कखेरी नी खाई भेजी आप कति सालो ब्यो हो 8 वर्ष हो 8 सालो ब्यो हो आप 8 सालो अच्छा तो उबे ता बहुत छोटा रही होल भाई छोट नहीं यो जन यो वे नाती उण छे यो छोट बागो में तो खूब लोग भाई हां छे जे कति परिवार होला बागो में मस होली कति होल बस 100 से ज्यादा होली भाई आज के इस सफ़र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज जा रहा हूँ दोस्तों मैं बैनूरी गांव में और मेरे साथ हैं भांजी हिमानी तो अभी हम बैनूरी जा रहे हैं आज के इस ब्लॉग में मैं आपको पूरा बैनूरी गांव दिखाऊंगा ये बैनूरी गांव कहाँ है और इसकी खूबसूरती क्या है ये आप इस पूरे ब्लॉग में देखेंगे तो भाई अभी मैंने यहाँ पे गाड़ी लगा दी है और अब चलते हैं हम बैनूरी गांव में और बैनूरी गांव के ठीक 20 तक या ये कहें कि गांव को टच करता हुआ सड़क मार्ग बना हुआ है जो नारायणबगड़ मींगदेरा और वहाँ से बैनूरी तक है और साथ में है भाई इस तरफ है हिमानी और आगे से है हिमांशु काफ़ी तरक्की कर रहे हैं गाँव के लोग और अब बैनूरी गाँव शुरू होते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो पानी भर रहे हैं नाम क्या बेटा आपका हेलो कैसे हैं आप लोग अच्छे तो भाई ये बच्चे भी बहुत शर्मा रहे हैं बेचारे तो ये बैनूरी गांव का प्रसिद्ध मंगेरा है पूरे गांव के लोग यहीं पर पानी भरने के लिए आते हैं और इसके बगल से ये रास्ता जाता है भाई सीधे बैनूरी गांव की तरफ तो चलिए हरे भरे गेहूं के खेतों के बीच से ये खूबसूरत सफ़र शुरू होता है हमारा बैनूरी गाँव का हेलो बेटा आपका नाम क्या है काव्या किस क्लास में पढ़ते हो आप दो में टू में आपको स्कूल में सबसे अच्छा क्या लगता है पढ़ाई पढ़ाई क्या पढ़ते हो आप हिंदी इंग्लिश गली हिंदी इंग्लिश कोई पोएम आती है आपको सुनाओ तो एक तो आती है पर वो भी थोड़ा थोड़ा आती है फिर भी सुना दो जितना आती है सुनाओ सुनाओ शाबाश अभी नहीं आ रहा है नहीं। कोई बात नहीं कोई बात हो रहा है कि बच्चे थोड़ा सा उनके अंदर एक हिचक सी रहती है क्योंकि कैमरे के सामने वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं बहुत अच्छे से आता है उनको लेकिन नहीं बोल पाते हैं बहुत पुराने घर और साथ में खूबसूरत नए घर सब कुछ आपको बैनूरी गांव में दिखेगा और गांव में अब धीरे धीरे देख ही रहे होंगे आप लोग बहुत कुछ बदल रहा है इधर ही है पंचायत भवन अच्छा यहाँ पे पंचायत घर है ठीक है और गांव के ना खूबसूरत पटाल वाली मकान है जो ये पत्थर आपको दिख रहे हैं ना ये सारे पटाल के मकान हैं जिनको अब बनाना बहुत मुश्किल काम हो गया है पहुँच गए भाई एक ऐसे रास्ते पर ना पहले यही रास्ता मुख्य रास्ता हुआ करता था यहाँ से मींग और वहाँ से नीचे सड़क मार्ग में जुड़ने का लेकिन जब से बैनूरी में सड़क मार्ग पहुंचा है तब से इस रास्ते की वैल्यू थोड़ा बहुत कम हुई है नमस्कारम नमस्कारम स्वास्थ्य शरीर सब बढ़िया अबे दौड़े घूम हम रोड बन चलो बहुत बढ़िया और ये देखिए भाई कितने खूबसूरत घर हमें दिख रहे हैं और यहाँ पे भाई छोटी सी है गुड़िया ये भाई ये कुटने बिखोण क्या कुटना भी सवा से दिख रहा आप लोग
ये है भाई चावल, और आज भी हमारे जो पुराने ओखली है ना उसका गाँव में इस्तेमाल होता है। खूबसूरत। तो भाई ये आपको बैनोली गांव का एक छोटा सा नज़ारा मैं अभी दिखा रहा हूँ, बाकी अभी तो बहुत कुछ हमें दिखाना बाकी है। तो भाई अभी हम लगभग बैनोली गांव के ना बीच में पहुँच चुके हैं, और गांव में देखिए कितनी खूबसूरत सब्जी भी हुई है अभी। नमस्कारम नमस्कारम, लगे चल सब बढ़िया, आप लोगों आशीर्वाद, और सब बढ़िया सर। अच्छा गुड़िया, हाउ आर यू, कैसे हैं? हेलो हेलो। तो भाई अभी हम पहुंच गए हम दीदी जी के घर में, तो दीदी जी तो अभी हमें यहाँ पे शायद दिख नहीं रही है, कहाँ हैं? ये अभी हम पहुंच गए हैं हिमानी के साथ दीदी जी के घर में। तो भाई आजकल चल रहा है चैत का महीना, और ख़ास तौर पे भाई हमारे पहाड़ों में एक रिवाज है, सभी लोग जानते हैं इसको, ये चैत का पहला महीना है हिंदू मास। तो इसमें सभी लोग अपनी ध्याणियों को, अपनी बेटियों को, बहनों को कलेऊ देते हैं। तो आज मैं भी पहुंचा हूँ भाई बैनोली गांव में। अब आ गया भाई हिमानी का पानी का ग्लास, ठंडा ठंडा कूल कूल। थोड़ा बहुत ना गर्मी बढ़ गई है, भले मैंने स्वेटर पहनी है लेकिन मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा है। और सब बढ़िया सर, बैठे सर, स्वास्थ्य शरीर, नमस्कार नमस्कार, और बढ़िया सर, और सब बढ़िया सर। अब उन्हों तो बताओ आप अनुसती, अब उसके लिए बहुत कम है। मेरा नाम हेमंत जाती है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्तरे कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिकम करतरे वेणुकरे कंकणम सर्वाग्रे हरिचंदनम सुललितम कंठे समुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। अच्छा तो वो आप इसको समय कैसे, बहुत बढ़िया आप श्लोक सुनाए, ये श्लोक का अर्थ क्या है? ये तो पता नहीं है, ये तो बताया हुआ ना आपने, ये तो खुद पढ़ी हुआ। अच्छा अच्छा, तो वकमा आप जो संस्कृत विद्यापीठ बोलो शायद, तो वो टाइमिंग क्या चीज़ को? 4 बजे उठते हैं। अच्छा, 5 बजे से 6 बजे संध्या होती है, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद 1 घंटे घर की तरफ से कुछ स्कूल चलती है। अच्छा, उसके बाद 4 बजे फिर चाय पीते, उसके बाद 5 बजे संध्या, 7 बजे तक उसके बाद खाना खाते, उसके बाद पढ़ते हैं। अच्छा, और संध्या में क्या मंत्रोच्चार? हाँ, सब बच्चा एक साथ बैठे रहे। हाँ। अच्छा, कन के मंत्रोच्चार बने साहब? हाँ हाँ, वो सुना दिया थोड़ा, इधर जो शाम दफे जो संध्या में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम कदापि वा यो स्मरेत पुनरेकाचम सर्वावस्थाम इतोपि वा। सब बच्चा कति कति में पढ़ना आप लोग? मैं सेवंथमा, मैं फोर्थ में। तो भाई अभी हम बैनोली गांव के भ्रमण पे हैं, और पूरा बैनोली गांव आपको दिखाएंगे, लगभग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को आप तक पहुँचाने का, क्योंकि एक तो संभव भी नहीं हो पाता है ना, कई लोग थोड़ा बातचीत भी नहीं करते हैं, मतलब कम बुलान कैमरा के सामने बात नहीं करन। ककबाने बोले आप लोग? एक ककबाना कुछ नहीं बोले भाई, चुपचाप बोले। करम नमस्कार नमस्कार, और बढ़िया स्वास्थ्य शरीर? हाँ, सर ठीक है, सब बढ़िया। सब बढ़िया। अबे एक गोठा है होल? हाँ, गोठा। अच्छा, और क्या क्या होने आजकल घर पन क्या होता है साइड को थाने? हाँ अच्छा, और घर पन काम धाम? काम धाम क्या सर, बुतने जा लो घाकोल बने रोड गाने और क्या धान तो जा तो आप गांव में तो खूब लोग छ भाई। हां छे जी, कति परिवार होला आप गांव में? मस होले कति होल? बस 100 से ज्यादा होली, 100 परिवार। हां 100 से ज्यादा होल। अच्छा, जो लोग गांव में भैरन उ कति होल भाई? मस होल सब जार तो भै नहीं, बस ये लो सब है की। हां हां, बस 150 था तो होला गांव में। हां ये तो गो नहीं था, मतलब हमारा नारायण बगड़ा बहुत बड़ो गांव, दूसरा तीसरा नंबर गांव चापो गांव, बहुत बड़ो गांव। बुवा मी यो बार तो बेणो ही अपा मन से यो मटर भी लगाया, गोभी भी लगाई, बांदरो भी कुछ नहीं राखे छ है, मेहनत तो जारी छ पर वन बांदरो क्या खान है, ये बांदरो पे मी यो दिन यो गीत भी मिलासी काखे लगाड़ी छी के माला गाणी छी ए पहाड़ की मेरा उत्तराखंड की काकिला गाणी छे के माला गाणी छे।
साटी भूत्या पोंगड़ियों मा मुंगरी भूती सागवाड़ियों मा साटी भूत्या पोंगड़ियों मा मुंगरी भूती सागवाड़ियों मा साटी खेना सुंगरोल मुंगरी खाई बांदारोला सभी सपा चाटे हुए गया यूं की मेरी वानी मा कख लगानी छे के मा लगानी छे ये पहाड़ की मेरा उत्तराखंड की कख लगानी छे आगे भी पुणे गेबो बोल दियो पूरा बोल दियो तो पुणे छे आ रिदम में अभी पुलिस चौकी बाजार मा मर्डर छिन हजार मा पुलिस चौकी बाजार मा मर्डर छिन हजार मा कख लगानी छे के मा लगानी छे इन घूसखोरों की कख लगानी छे के मा लगानी छे ए पहाड़ की मेरा उत्तराखंड की कख लगानी छे बड़बड़ा नेता बिलोक मा काम नी मिल दो गाँव मा बड़बड़ा नेता बिलोक मा काम नी मिल दो गाँव मा कख लगानी छे के मा लगानी छे इन कमीशन खोरों की कख लगानी छे के मा लगानी छे ये पहाड़ की मेरा उत्तराखंड की कख लगानी छे के मा लगानी छे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आप वाले बिल्कुल ये गीत माँ पहाड़ की जो हकीकत वो बयां करी बहुत बहुत धन्यवाद चाहते हैं हम लड़ाऊं प्यारी मिलने सा पारा होएगा परसा छठा होएगा मासा मैं तो नहीं गयो क्या हम चारो आदि नो स्वामी मी मैं तो राजा यो चारो आदि नो स्वामी मी मैं तो राजा यो नारामे ता हरिसा सोमा भाई हम राजा सेटी सूटी बूती ग बेचारा रोजगार लग छ बेरोजगार पे जाए रहा ना अच्छा वो बार रोजगार और टाइम क्या रहना टाइम 9 बजे जा ना एक बजे अच्छा और गांव की क्या क्या समस्या लगे ना आते हैं अपो जो गांव में जो लोग गांव में रहे हैं यहां बोले क्या समस्या था हम आयो क्यों हो या नहीं तो पानी समस्या तो सुंगर कुछ राखड़े नहीं तो बोन सो तो खुला साड़ी वो बंद होनी नहीं तो गुरु तो घास नहीं तो हम तो पेड़ नहीं तो तो हो क्या होने बुला दे बहनों में तो मंगेरा तो छेंच यो मंगेरा तो या तेरा मंगेरा तो बीमार सा गांव क्या होने बुली हो 200 मवासा तो 150 तक की निकाह है ना 150 मवासा हाँ कब बना आप अभी घास बेटी अच्छा तो आजकल पूर्ण में घास हुई छेंच हरी घास हुई गेहूं में और बाल बच्चा का दिशा पग अच्छा ककरन छोटा बच्चा जे अभी बड़ा 12 में पण अभी छोट से अच्छा अभी 12 में गो गांव की समस्या क्या लगे ना आपते गांव समस्या तो ठीक ही लगे कोई समस्या नहीं बागो में समस्या भी बहुत सी बात मेन पानी पानी बड़ी समस्या से तो जब पानी समस्या होन ता आप लोग कन के मैनेज कन इती बड़ो गो लगभग 150-200 मावा सो गो चापो करन छे धारा से जरा धारा से भी हम जो नैनी मंगेरा छे हां नैनी मंगेरा छे माथ लटो मंगेरा छे अच्छा तक बोल अच्छा तो अभी ताऊ जी भी पानी जाने आप लोग भी पानी जाने पड़ो बड़ जाने पड़ो हम नु करे कौन कौन अच्छा अच्छा जी जी चलो ठीक तब अच्छा रेबर चैनल गए आप जी जी बहुत बढ़िया जी दिखन छे आप वीडियो रेबर पे हम मैं तो फर्स्ट चैनल लूर जो रेबर में जी जी तो ताऊ जी आप इन बताओ कि आप गांव की भली बात क्या छ भली बात बड़े से आनंद मंगल है सर गांव में कुशल मंगल सर के छु जी खाने पीने से जी आप की उम्र कैसे अभी मेरी उम्र 72 सर जी तो आप पहली जो बैनोली गांव थी और अब आप बैनोली गांव में क्या अंतर लगो ना आपते तो बहुत सुधार हुआ है पहले पहले बिल्कुल गंदे के मचे गांव कुछ नहीं सी गंदगी कैसी गांव में कुछ नहीं मतलब लैट्रिन बाथरूम का किस्सा नहीं सी जी सब रास्तों में गंदगी से बाहर कुछ नहीं जी तो अब ये सुधार कब बटन हो अब ये सुधार तो आजादी बाद धीरे 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 होने बैठे ना आजादी बाद जी अच्छा तो अभी भी आपते क्या लगन कि गांव में क्या क्या चीजें कमी जो पहली हिसाब से काफी सुधार आपते लगन फिर भी कुछ कमी तो मिले अभी आपते कमी सिर्फ यख में इनसे क्या अभी सिर्फ पानी कमी बस जी एक तो नहर नहीं हमारी नमस्कार नमस्कार जी एक तो नहर ही है कि हमारी सन 57-58 की नहर है वो रोड गई
बंजर पड़ी जो मिंग दरा हंसकोटी और उबे रोड गई, मतलब खास तौर पे गड़ीगाड़ रोड है जी, कि हमारी नहर होगी सूखी, जमीन बेकार होगी है, दूसरे में पेयजल की समस्या नहीं है, यहाँ अब आ रही है लाइन तो पता नहीं क्या होता। तो आप लोगों प्रधान जी या गांव का और लोगों नहर तय कोई प्रयास नहीं करे आप लोगों? बड़े प्रधान लोग, हम प्रयास करने में काम लगे हुए, तो काम कब लगा लो 10 साल हुए। अच्छा नमस्कार दीदी, नमस्कार नमस्कार, बस बस बढ़िया। अभी आप लोग ककबटन आने कति दूर? अच्छा अच्छा, और घर में सब राजी खुशी? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया सर। भाई अखवाए से गांव में आजकल बहुत छाई भाई सब आप लोगों का आशीर्वाद से आप लोग देखन से रविवार हमेशा क्या लगना आप तो बढ़िया रविवार में लागन जी बहुत बढ़िया लागन के लगे हमारे बगल फेरी सब भूली सो हमरो जी और हम तो बहुत बढ़िया लागन भाई रविवार से ना ल और गोरु बछरो कते रखे आप आगे गोरु बछरो छे जी दुई बाल तो छ रबड़ो गोर से देश गोरु लोकल ओर छ और बच्चा लोग का के सभी बच्चा लोग तो भेरे छ अच्छा भी भेरे छ बड़े भी नौकरी कन्या लोड भी नौकरी कन्या उनका कने नौकरी यो नालो बनारस सा। अच्छा और यो लखनऊ सा। अच्छा ते दादा भी सो लखनऊ रे ना बस। अच्छा मिस जल मुले आप अकेला घर में ना ना परिवार ही ना बड़वा लोड़ो परिवार सा दुई नेती सा यो नाचो सा मिस सा बुयर सा लोड़ सा काफी तब तो आपने रोट बनाने कोई दिक्कत नहीं ना रोटी बनाने बुली मेरे रोटी बनाने रोटी बनाने जी जी सुबह में गोता बनाने से ना सब था जी कभी कभार शाम तो नहीं बनाने। अच्छा शाम तो बुयर मी। अच्छा बस टीवी पे बैठ जानो। अच्छा बॉडी प्रणाम तो कते दूर बैठे ना ना पैंट लेके आप पैंट का मंगे रोने जी तब बुढ़बार ही नहीं अब तो आप घर में दीदी आप घर में नल नीचे नल छेद बार वो पैंट नहीं पहन भूले हम। अच्छा ऊपर मतलब प्यून वाला पानी नहीं होना गंद पैंट जो। अच्छा उधर पोटर का था आप घर बेरे मंग रहे दूरी कती दूर हुई छे जी मैं दूरी करीब हिल हल तो 20-25 मिनट ना ना ज्यादा हल जी तानी हल नहीं ना ना ये गए अच्छा 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 ये भूज भी लेने गुड़ियार भी ढूंढे आपने गुड़ियार भी जाया मेल लगा प्याज आप बहनों में तो काफी प्याज हम पहले भी छे पहले भी हाँ वो कह कह हम आप आर भी नहीं आ को लगू ना को लगू बाड़ के लिए बाड़ होली तो बड़ा हम आप आर प्याज हम ना बाड़ी भूली हम। अच्छा अच्छा तो क्या नहर बंद होएगी नहर बंद होएगी हस्कोटी गाड़ी 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 रोड है भी तो हमें ये को आज होते भी नहीं सारे ना बुढ़ी वाल हमें नहर बने नहीं सो अब ये नलों पेड़ सारे ना हम यो हम आप प्याज लगाए ओ जी नलों के पेड़ ही मिलता अब सरकार पेड़ भी कबते ओण्यो कबते नोण्यो दूर पेड़ सो सो मास से ज्यादा हमारा गांव होएगा आ पेड़ भी कम कम में पूछण्यो तो मंगेर तो हमारे नैनी मंगेर तो वो आशीर्वाद है भी हम खाने पीना नहाने धोने कपड़ा तपड़ा सब पहने भी हम थोड़ी वो कभी कभी यह हर तुम दो हर तुम कभी ओने तने की ओने सुतने की जनाब यो झमा का पुराण गीत लगे दिन की पुराण गीत लगे दिन हम भी गोरदान लगा दियो दीदी एक ज्यादा नहीं मैं गीत नहीं दो लफ्ज की ज्यादा नहीं आप कहां से आ रहे हैं अभी अभी फिलहाल तो घर से आ रहे गोशाला जा रहे। अच्छा शाम तो फिर टाइम हो गया अभी ठीक तो गोर बछरा दूध दें से राम बेल गोर दाए तो भैया अभी हमें पूरी मात्र शक्ति जगह बहनों के गांव अधिकतर जो मात्र शक्ति जो यकम छो और अभी टाइम लगभग 5:30 हुई शायद 6 बजे आप लोग कोई संदेश दियो चल नमस्कारम नमस्कारम संदेश दे दो जी कैड़ी का करे फोटो जो हम नैनी माता मंदिर से वो खो नैनी मतलब मंगरो पेंट जो। अच्छा तो आप धारा को पेंट पहन हमेशा धारा को पेंट जबकि नल हमारे यहाँ पर्सनल नल और पानी भी छेज पर सब लोग हमारे यहाँ धारा का पानी पी पहले बेटी आदत पड़ी आप और गगरी रखे आप गगरी दिखे दो आप लोगों से गागर जो हमें धरोवर से पहाड़ी खास तौर पे चलो धन्यवाद। तो ताऊ जी अभी आप एक उम्र क्या 90 साल पूरे 90 साल हाँ 90 साल और इससे पहले आप जो आपने शिक्षा के क्षेत्र में शायद आप जुड़े हुए थे हाँ तो आप शिक्षक की भूमिका में कब से और कब तक रहे? मैं रहा हूँ 38 साल 9 महीना 11 दिन तक पूरे 38 साल हाँ मतलब 39 साल मान लीजिए हाँ 39 साल। तो सर आपकी जो पहली ज्वाइनिंग थी वो कब और कहाँ थी? वो थी सन 20 नवंबर 1968 में नंद केसरी में। अच्छा जी सबसे पहले वहाँ रहा मैं। और रिटायरमेंट आपका? रिटायरमेंट में हस्कोटी से हुआ। कब? 2004 में
2004 में। तो सर आप 1966 में आप जिस समय देश में अशिक्षा थी, बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे, खास तौर पे हमारे पहाड़ों के गांवों में शिक्षा का स्तर बहुत कम था। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई हुई कब और कहाँ कहाँ से हुई और कैसे करके आपने पढ़ा उस दौर में? मैं तलवाड़ी में पढ़ा, मैंने तलवाड़ी से किया हाई स्कूल जी बाय। तो उसके बाद अब मैं, तो कब किया होगा आपने तलवाड़ी से हाई स्कूल? 62 में, 1962 में। अच्छा जी, तो उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी आज की शिक्षा व्यवस्था से कितना हटके थी एकदम? आज की उसमें, इसमें बहुत अंतर है पहले की शिक्षा व्यवस्था में, अब की शिक्षा व्यवस्था में बहुत अंतर है जी। वो कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे समझ में भी नहीं आ रही अब, जैसे अब गणित के सवाल है, पहले ऐसा नहीं था, अब तो बिल्कुल ऐसा हो कि वो रेखा रेखा वाले हैं, हम क्या समझें उसको। अच्छा, आपको अपने जब आप शिक्षण में रहे और एक लंबी सेवा आपने शिक्षक की भूमिका भी निभाई, कुछ पल आपको जो याद हैं, जो जिन्हें आप आज शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से, कुछ यादगार पल कभी रहे हों आपके? अब यादगार क्या थे, 39 साल में ये रहा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। हम यहाँ से जब हम मिंग हम दिल्ली तक पहुँचे शिक्षा विभाग की ओर से गोष्ठी में, वहाँ हमने भाषण दिया, वहाँ भी हमारी वो रही, यहाँ देहरादून गए हम, तो हम यहाँ से मतलब विभाग की ओर से आगे भेजे गई। अच्छा, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 90 साल के एक लगभग, आपने लगभग 100 साल का आपने बैनुली गांव देखा है, एक लंबे समय को आपने बिताया है पहले और अब में क्या अंतर आ गया है बैनुली गांव में? पहले अब में ये अंतर है, एक तो यहाँ पर सभ्यता का काफ़ी बड़ा वो हो गया है प्रचार, दूसरे में गाड़ियाँ आ गई हैं, रोड खुल गई हैं और जगह जगह पर पानी की व्यवस्था तो अभी लंबित है, आ तो रखी है यहाँ, लेकिन अभी पूरा उसका वो टैंक नहीं बन पाया। वो टैंक जब बनेगा तब उसके बाद अब पानी वितरण होगा, नहर का जो है तो रोड से नहर टूट गई है, यहाँ से भी वो पानी बंद हो गया। और दूसरा जो कोई और बदलाव, जैसे आज आपके पूरे बैनुली में लगभग कितने परिवार होंगे? पूरे बैनुली में 120 परिवार 120 परिवार हैं। हाँ, तो पलायन या गांव में अभी इतने लोग हैं 120 परिवार, मतलब आधे लोग बाहर पलायन हो गए हैं देहरादून के लिए। तो आप शिक्षक भी रहे, तो आपके मन में कभी आया कि मैं गांव छोड़ के बाहर चले जाऊं देहरादून में रहूं? ये तो नहीं आया हमारे विचार में, हमने कहा भाई जब इसी जगह हमने जन्म लिया है तो इसी में थोड़ा बहुत दुख हमसे होगा तो यहीं से हो जाएगा उधार, नहीं तो बाहर जाने से कोई फायदा नहीं है जी। अब मैं आपसे एक चीज़, सबसे मुख्य चीज़ कि आपने 90 साल में आप बिल्कुल एकदम फिट हैं, हेल्दी हैं, चलते फिरते हैं, तो आपकी जो दिनचर्या है और वर्तमान समय में जो हमारे युवा हैं वो एक लंबी जिंदगी कैसे जिए, कुछ जो आपके पास जो बातें हैं वो आप कहिएगा। ऐसा है कि लंबी जिंदगी बिताने के लिए पहले, सबसे पहले उस अध्यापक को या विचार उसको चरित्रवान होना चाहिए, अगर उसका चरित्र सही है तो अपने आप वो आगे बढ़ सकता है, सबसे बड़ी चीज़ यही है, तभी शिक्षा का प्रचार होगा। कई लोग ऐसे हैं कि कई मास्टर लोग जो हैं कि उसमें गलत उसमें पड़ जाते तो वो गलत है, आप लोगों को ये होना, आप गुरु हैं तो गुरु को गुरु पद पर ही रहना चाहिए ताकि उसका विचार जो है आगे के लिए डेवलपमेंट हो सके। गजे सिंह रणि हट नीण गजे सिंह ये कगो ये कुंड गजे सिंह ये कगो ये कुंड गजे सिंह बोलू मेरो बाना गजे सिंह बोलू मेरो मान गजे सिंह तू भलो देखी न गजे सिंह तू भल देखी न गजे सिंह कबीला सा के में नमो ललो कबीला सा के में नमो ललो कबीला सा के में नमो ललो
खेरी नी खाई भेजी
पे माँ क्या लगोमी, हाँ ते माँ क्या लगोमी, बाबा पान माँ बे बाब मुख मोड़ी गेनी, बिराना भांड माजे अद पेट खे कुढ़ोंगोनी कुजी मीन के डांडानी गाउमी, क्वाखेरी नी खाई भेजी ते माँ क्या लगों, ते माँ क्या लगों। अब दुखी जी मानस बारी पे बोला बोला हम बेटी बारे बहुत गिर सही हैं। हम अपने बेटी पे अपने बहू पे बहुत गर्व से कि लेकिन आज जमाना लड़का लोग कोई खानवा कोई पीणवा उन्होंने सब सहन शक्ति करके और अपने अगेन कोशिश कर लड़की मतलब चे कि बड़े पोस्ट पे फेल तो लड़का छोटी पोस्ट पे जो तक देखने लगे ये मामी खाली दी जुमान कि लोगन की मतलब अरे लड़की हुई लड़की हुए ये पे दी शब्द अपन मन से फुल आवाज में अपन मन से मिलाए हाँ चल दीदी भूली खावा के समा बेटी नी हुंदी बेटा से कमा, चल दीदी भूली खावा के समा बेटी नी हुंदी बेटा से कमा, चल दीदी भूली कर शरता बेटी बेटा मना कर फरक, चल दीदी भूली कर शरता बेटी बेटा मना कर फरक, बेटा हमारो डॉक्टर बनलो बेटी हमारी टीचर बड़ेली, बेटा हमारो डॉक्टर बड़लो बेटी हमारी टीचर बड़ेली, चल दीदी भूली खावा का समा बेटी नी हुंदी बेटा से कमा, चल दीदी भूली कर शरता बेटी बेटा मना कर फरक, बेटा बेटा हमारो डीएम बनलो बेटी हमारी जज बड़ली, चल दीदी भूली खावा का समा बेटी नी हुंदी बेटा से कमा, बेटी हमारी बेटी रख दीदी घर को मान बेटी कर दीदी घर को काम, बेटी हमारी दी घर को मान बेटी हमारी दी घर की शान, बेटी हमारी लक्ष्मी को रूप बेटी हमारी दया स्वरूप, चल दीदी भूली खावा का समा बेटी नी हुंदी बेटा से कम, चल दीदी भूली कर शरता बेटी बेटा मना कर फरक, भ्रूण हत्या मना द्यावा ध्यान बेटी हमारी सबसे महान, बेटी हमारी सबसे महान, बेटी हमारी सबसे महान। न्योड़ी में आवाज बहुत बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गीत लगाया। सेरा बस क्या ले बनो मां रूड़ी कूटण मां योंद पीसी गेनी, म्यारा सदनी इन दिन रेनी, सेरा बस क्या ले बनो मां रूड़ी कूटने माँ योंद पीसी गेनी, म्यारा सदनी इन दिन रेनी। आप कति सालों ब्यो हो? 8 वर्ष हो। 8 सालों ब्यो हो आप? 8 सालों। अच्छा तो उबे तो आप बहुत छोटा रही होल? भाई छोटे नहीं यो जन यो मेरे नाती हूँ ची यो छोटे नाती हूँ। अच्छा यो तमणी जी खुद दा वाले से थे जी नो मी जान सोच के सो जी तने मणी जी जी। तो आपे उम्र कति हुई बॉडी अभी? ता ए पुगा हुए वल जी आप सो सो, सो पे जानो आ हाल जी नी बाबा सो पे जानो आ हाल जी जी। तो 8 साल आपो ब्यो हुई जी? आपो ब्यो हुई जी।
8 साल और 9 साल लगा ना पेटो में लगा तो ता वो 9 बार कर पूरे की वही टाइम है जो बहन हुई थी और आज वो जो बहन हुई थी लगभग 80-90 साल बाद क्या क्या अंतर दिखने आते हैं ए अब तो लोग सिलेंडर भरे लो सभी तो आएगी वे यो कच्चे सब पठा लियो जान सो तो तेत कोड़ पे सो तमने पठा लियो लगे रही जी ऊपर ना भी तो पेनी खालो रही जी बेस खालो का तो वो ना किन फू फू आ जगों जी लाखा रही अमे तो लोग जगों ने सें लाखा गेस जगों ने सो चम चम आ आर हम पुआर पारा लो जी ओ सो धारे लोगों जी वो आ जगों जी धुआं भी दिन ओ सो ओं जी तन के हम दिन कटन के हम लीला दौड़ भर आता क्या बना वन बण गा अपार वन बण जंगल गा हम वन जंगल गा पूरा वन डाना लाखड़ा वो जाए तो हम तो ताती थीड़िया हम अब लोड़े भी जानी अब आलिए मुझे सुतर तो बोल लगे वे नहीं जाने हम मरी बोला कान हम ओह ते कोबा बणो डीप सो छो डीप ते डीप पे तार भी हम पतेला मोना रिहाया पतेला मोना दीदी सोल्ट रेंज सगत वो रेंज यो सोल्ट और मेरे यो मावे रेंज ता उन पे जी जबू को लगों शो लगाया रेंज बबेड़ा ता उन पे शो लगों ची ता बहर में लगों ची ता मोना रे लगों ची ता ते डीप पे तार भी हाया मासो ते पाक वे हमें भी जाने हूँ हमें यमें यू बोर्ड बनी